साथियों, हमें हमारे स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज में डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नेंस को मजबूत करना ही होगा। जब आपदा आए तभी अर्बन लोकल बॉडीज रिएक्ट करें, इससे बात बनने वाली अब रही नहीं है। हमें प्लानिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा, हमें लोकल प्लानिंग की समीक्षा करनी होगी, हमें इमारतों के निर्माण के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस बनानी होगी। एक तरह से पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। इसके लिए हमें दो स्तर पर काम करने की जरूरत है। पहला, यहां जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े एक्सपर्ट हैं, उन्हें जनभागीदारी लोकल पार्टिसिपेशन पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। भारत लोकल पार्टिसिपेशन से कैसे बड़े लक्ष्य हासिल कर रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं। इसलिए जब आपदा प्रबंधन की बात होती है तो वो भी बिना जनभागीदारी के संभव नहीं है। आपको लोकल रेजिलियंस बाय लोकल पार्टिसिपेशन के मंत्र पर चलते हुए ही सफलता मिल सकती है। हमें नागरिकों को भूकंप, साइक्लोन, आग और दूसरी आपदाओं से जुड़े खतरों के प्रति जागरूक करना एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। इससे जुड़े सही नियमों, कायदों और कर्तव्य, इन सारे विषयों का बोध निरंतर जगाना जरूरी है। हमें गांव, गली, मोहल्ले के स्तर पर हमारे युवा साथियों के युवा मंडल, सखी मंडल, दूसरे ग्रुप्स को राहत और बचाव की ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। आपदा मित्रों, एनसीसी, एनएसएस, पूर्व सैनिकों की ताकत, उनको भी अगर हम कोई डेटा बैंक बना करके उनकी शक्ति का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसका कम्युनिकेशन की व्यवस्था बनानी होगी। कम्युनिटी सेंटर्स के फर्स्ट रिस्पांस के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था, उनको चलाने की ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। और मेरा अनुभव है, कभी कभी ये डेटा बैंक कितना अच्छा काम करती है। मैं जब गुजरात में था तो हमारे यहाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक नदी है, उसमें कभी 5-7 साल में एक आध बार बाढ़ आती थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक साल में 5 बार बाढ़ आई, लेकिन उस समय ये डिजास्टर को लेकर के काफी कुछ गतिविधियां डेवलप हुई थी, तो हर गांव के मोबाइल फोन अवेलेबल थे। अब उस समय कोई लोकल लैंग्वेज में तो मैसेजिंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी में ही गुजराती में लिख करके मैसेज करते थे गांव के लोगों को कि देखिए ऐसी स्थिति है और इतने घंटे के बाद पानी आने की संभावना है। और मुझे बराबर याद है, 5 बार बाढ़ आने के बावजूद भी इंसान का तो सवाल नहीं, एक भी पशु नहीं मरा था। कोई व्यक्ति नहीं मरा, पशु नहीं, जस्ट समय पर कम्युनिकेशन हुआ। और इसलिए हम इन व्यवस्थाओं का कैसे उपयोग करते हैं, बचाव और राहत कार्य अगर समय रहते शुरू होगा तो जीवन की क्षति को हम कम कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमें हर घर हर गली को लेकर रियल टाइम रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनानी होगी। कौन घर कितना पुराना है, किस गली किस ड्रेनेज की क्या स्थिति है, हमारे बिजली पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का रेजिलियंस कितना है। अब जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले मीटिंग कर रहा था और मेरी मीटिंग का विषय यही था कि भाई हीट वेव की चर्चा है तो कम से कम पिछली बार हमने देखा 2 बार हमारे अस्पतालों में आग लगी और वो बहुत दर्दनाक होता है, कोई पेशेंट असहाय होता है। अब पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था को एक बार बारीकी से देखना, हो सकता है एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हमें बचा सकता है। मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा वहां की व्यवस्थाओं की सटीक जानकारी हमारे पास होगी तभी हम प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हैं।